और हमें यहाँ पर एक ताऊ जी मिल गए। ताऊ जी क्या कर रहे हो यहाँ पर? बंदरा खा रहा हूँ। क्या ए गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रमेश। मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि नैनीताल दर्शन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सुबह की अभी ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है, सुबह 8:30 हुआ है और दोस्तों मैं निकल चुका नियरेस्ट अपने जंगल के, ऑन द वे अभी हूँ। देखिए, और आज काफ़ी बरसात हुई है सुबह से और दोस्तों जंगल का काफ़ी खुश नुमा माहौल हुआ है। और क्योंकि अभी क्या है दोस्तों, कुछ समय से काफ़ी सूखा ग्रस्त से परेशान थे सारे लोग, जंगली जानवर और हर कोई आदमी। तो अब दोस्तों काफ़ी सुधार हुआ है, आज काफ़ी बरसात हुई है, एक दो दिन से हो रही है धीरे धीरे। और दोस्तों देखिए, ये अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल जंगल के एरिया में दोस्तों। पहला रोड क्रॉसिंग, कभी भी आप जंगल के रास्ते पे जाएं तो जो रोड क्रॉसिंग का पहला अधिकार वाइल्ड लाइफ का है दोस्तों, क्योंकि हम उनके एरिया से गुजर रहे हैं, उनके रास्ते से हम, उनके घर के रास्ते से हम गुजर रहे हैं। तो हमें कम यहाँ काफ़ी धीरे 20 या 40 हल्की से ना के ना बराबर स्पीड, कम से कम स्पीड गाड़ी चलाएँ जंगल के एरिया में। और दोस्तों देखिए, अभी आप आगे का माहौल देखिए, आप आगे रोड का माहौल देखिए, कुछ ऐसा नज़ारा है। रोड का माहौल देखिए, आगे जंगल का चारों ओर पानी पानी बिल्कुल देखिए रोडों पर। और दोस्तों देखिए, आज काफ़ी बरसात हो रही है यहाँ पर। और ये देखिए, ये है जिम कॉर्बेट और रामनगर हाईवे। और कुछ ऐसा नज़ारा है देखिए दोस्तों, आज हाईवे का ये, और देखिए दोस्तों सामने पहाड़ का नज़ारा आप देख रहे होंगे। काफी बरसात हो रही है दोस्तों, आज देखिए और सामने रोड का नज़ारा ऐसा है देखिए, देहरादून जिम कॉर्बेट रामनगर हाईवे का देखिए। Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. और दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आज माहौल है, काफ़ी बरसात हो गई है दोस्तों बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जंगल का माहौल, और अभी भी काफ़ी बादल है और जंगल में दोस्तों देखिए, ये काफ़ी मुश्किल से ये बरसात हुई है। और जंगलों में बिल्कुल आग ना लगाएं दोस्तों देखिए। और देखिए आप कुछ आज रोड में काफ़ी सुनसानी हो रही है क्योंकि काफ़ी बरसात हो रही है दोस्तों देखिए, काफ़ी हरियाली जंगलों में। और देखिए पानी पानी पूरा रोड पर आप देख रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर टीटी बोलिए दोस्तों देखिए, ये देखिए और कुछ जंगल का माहौल दोस्तों आज ऐसा है देखिए। अब इनमें पूरे कल्ले आने लग गए देखिए पेड़ों में दोस्तों, काफ़ी हरियाली होने लग गई देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर काफ़ी पानी इकट्ठा है और अभी भी हल्की हल्की बरसात लगी है दोस्तों देखिए ये। और सामने कौवा बैठा है देखिए पेड़ पर सामने।
भी कुछ और देखिए पानी भी काफी तेज बहाव से आ रहा है दोस्तों। देखिए और दोस्तों देखिए बरसात होने पर पूरा नहरों में आप देख सकते हैं काफ़ी पानी का तेज बहाव आ रहा है दोस्तों। देखिए पानी और आप देख सकते हैं कि एकदम से हिल ऊपर पहाड़ी एरियाओं में बरसात हुई तो देखिए यहाँ पर काफ़ी पानी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं ये देखिए काफ़ी तेज़ बहाव में पानी है। देखिए ये देखिए तेज़ बहाव में पानी आ रहा है दोस्तों। और काफल पाको कह रहा है दोस्तों, देखिए मतलब पहाड़ों में काफल एक फल होता है, उस फल का नाम काफल। ये संदेश लाता है कि पहाड़ों में पाखल काफल पक चुके और पहाड़ी मैदानी एरियाओं के लोगों को ये सूचना देता है देखिए कि काफल पक चुका है। काफल पाको कह रहा देखिए, ये देखिए काफल पाको। और देखिए बिजिट पॉलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों, ये देखिए ये पॉलगढ़ का ये जंगल। और देखिए दोस्तों हमारे उत्तराखंड के इन जंगलों की खूबसूरती, इन जंगलों के रास्ते दोस्तों आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत हमारे देवभूमि के ये पहाड़, हमारे ये जंगल, हमारे दोस्तों इस जंगल जंगलों को हमें बचा के रखना है। और अगर ये जंगल हम नहीं होंगे तो दोस्तों हम भी नहीं हो पाएंगे। और देख सकते हैं आप इन जंगलों के रास्ते काफ़ी सुंदर और काफ़ी नेचुरल ये रास्ते, देखिए आप और कितनी हरियाली है इन रास्तों पर। और देखिए दोस्तों धुआं उठने लग गया, देखिए ये फॉग कहते हैं, ये फॉग देखिए जो उठ रहा है यही बादल बन के जाता है दोस्तों। ये जंगलों का ये कमाल है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी घने जंगल हैं और यहीं से ये बादल उठेंगे और यहीं पर ये बरस जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं कि जंगलों का महत्व आप पहचान रहे होंगे दोस्तों। देखिए ये उठ रहा है फॉग, देखिए ये फॉग उठ रहा है और सीधे इससे बादल बनेगा और यही बादल फिर नीचे बरसेगा दोस्तों। ये है जंगलों की, जो हमारे जंगल की ज़रूरत जो है दोस्तों ये इसी काम आती है। देखिए ये जंगल, ये जो फॉग उठ रहा है देखिए आप देख रहे होंगे, ये फॉग ऊपर बनेगा बादल और बरसेगा फिर नीचे बरसेगा देखिए। और दोस्तों देख सकते हैं आप काफ़ी बारिश भी हो रही है आज यहाँ पर और बादल भी देखिए अभी काफ़ी वो है बादल और जंगलों की रौनक देखिए दोस्तों। आप देख सक देख रहे होंगे देखिए बरसात से कितने खिल चुके हैं पूरे जंगल, ये देखिए। दोस्तों हमें इन जंगलों में बिल्कुल आग नहीं लगाना है और जंगलों को रेनी सीजन देखिए चल रहा है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगा सकते हैं और यही मौका है दोस्तों जब हम इस ग्लोबल वार्मिंग से हम छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि अभी पेड़ अभी लग जाएंगे तो आगे को 6 महीने साल भर में हो जाएंगे और हमें काफ़ी जैसे अभी संकट का समय था उस संकट हमारे सामने नहीं आएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, जंगल लगाने हैं दोस्तों। देखिए काफ़ी हरियाली हो रही है देखिए आजकल, ये आप देख रहे हैं ये अभी बरसात का ये परिणाम है। बरसात जब हुई दोस्तों तो पूरे जंगलों में देखिए मानो ये जंगल हंस रहा हो और कह रहा हो कि मेरे लिए मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है दोस्तों। देखिए ये है हरियाली देखिए जंगलों की, ये देखिए।
और दोस्तों हमें ये जंगलों को पहचानना है दोस्तों। अगर ये जंगल नहीं होंगे दोस्तों तो हम ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी एक दिन। और इन जंगलों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल जंगलों में आग ना लगाएं। आप देख रहे हैं, देखिए मैंने कुछ दिन पहले दिखाया कि कैसे हमारी जो विलुप्त होते जा रही है चीज़ें, जो वाइल्ड लाइफ, और जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कैसे जल रहा था वो, और पूरा कैसे पूरा परिवार जल गया। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे काफ़ी और चीज़ें भी काफ़ी विलुप्त हो रही हैं जो हमें जंगलों में काफ़ी कम दिखाई देती हैं। और ये काफ़ी गंभीर और काफ़ी सोचने का विषय है कि जंगलों में आग देखिए दोस्तों हम ही में से कोई लोग लगा रहे हैं, और ये जो लोग लगा रहे हैं दोस्तों इनके लिए कठोर से कठोर सज़ा होनी चाहिए, जिससे कि ये दूसरे आदमी को भी सबक मिले कि जंगल में आग लगाने का क्या मतलब होता है, क्या सज़ा होती है। तो दोस्तों देखिए, जंगलों की हरियाली जब रहेगी, जब ये सारी दुनिया रह पाएगी, क्योंकि हरियाली होना जंगलों में ज़रूर है। और हरियाली तभी होगी जब हम इन जंगलों में को और घना बनाएंगे, और बरसात सीजन जो टाइम टू टाइम बरसात हो दोस्तों, अब बेसीजन में बरसात हो रही है क्योंकि पूरा संतुलन बिगड़ चुका है मौसम का, और ये सब है रीजन, क्योंकि पेड़ कम हैं और पेड़ कम होने की वजह से पूरा संतुलन बिगड़ रहा है दुनिया का और मौसम का। तो हमें ये सुधारना है और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने हैं, और ज़्यादा जंगलों में बिल्कुल आग नहीं लगानी है। और हम अभी देखिए चल रहे हैं आगे को, और देखिए दोस्तों ये आ गया है कोटाबाद गांव, और देखिए माउंटेन सामने दिख रहे हैं दोस्तों। देखिए माउंटेन, आप देखिए ये देखिए जंगलों में से ही ये बन रहा है। देखिए पूरा जो बादल सामने आप देख रहे होंगे, देखिए ये देखिए जंगलों में से ये बादल बन रहा है, और ये यही इससे बरसात हो रही है दोस्तों। ये है जंगलों का महत्व, देखिए आप। और जब जब जंगल है दोस्तों, जब ये बरसात हो रही है, और बरसात नहीं होने का कारण कम पेड़ होना है। ये देखिए आप सामने माउंटेन हमारे, देखिए दोस्तों। देखिए कुछ आज इस तरह मौसम है जंगल का, और काफ़ी हरियाली हो गई है जंगल में क्योंकि आज बरसात हुई है। आज ऐसा आप देख रहे हैं कुल हरियाली इतनी है दोस्तों कि मैंने कभी आज तक इतनी हरियाली देखी नहीं, क्योंकि ये जो पानी है दोस्तों ये नेचुरली पानी है। और ये पानी आने का रीज़न दोस्तों ये क्योंकि बरसात लेट में हुई है अभी, और ये लेट में बरसात होने का कारण पेड़ कम होना है दोस्तों। पेड़ों को घना लगाइए, और जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा
लगाएं, जंगलों में पेड़ लगाएं दोस्तों, अपने घरों में पेड़ लगाएं, और जिससे कि ये जंगलों की जो इतना इस समय जो हमारे पर इतनी कठिन समय आया दोस्तों, वैसे ही अब आगे ना आए तो जंगलों में आग बिल्कुल ना लगाएं। जंगलों में आग लगने से दोस्तों काफ़ी नुकसान होता है, और इन जंगलों को हमें बचाना है और जंगलों को और घना करना है दोस्तों। आज आप देख रहे हैं कि बरसात में देखिए मौसम जंगल का किस तरह खुशनुमा मौसम हो रहा है, देखिए कितनी हरियाली हो रही है दोस्तों, और कुछ मौसम ही अलग, जंगल का माहौल ही कुछ अलग है दोस्तों। देखिए देखते हैं दोस्तों, आज काफ़ी पानी की देखिए कैसे खड्डों में भरा है दोस्तों। ये देखिए ये काफ़ी पानी की बौछार हो चुकी है, क्योंकि नेचुरल ये पानी बरसात का है दोस्तों। ये देखिए हम कितना भी कुआं खोद दें, कुछ भी कर लें दोस्तों, आखिर नेचुरल पानी नेचुरली होता है। ये देखिए हमें मुझे एक यहाँ पर पक्षी दिखाई दी दोस्तों, काफ़ी सुंदर पक्षी। ये देखिए ये उड़ गई, देखिए सामने उड़ गई, बैठ गई देखिए सामने, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये देखिए कैसे पानी की बूंदें टप टप गिर रही हैं देखिए दोस्तों, क्योंकि बरसात अभी फिर शुरू हो चुकी है। देखिए और देखिए दोस्तों ये पेड़ों की आप हरियाली देखिए, नेचुरल इनकी ब्यूटी, हरी ग्रीनरी देखिए आप दोस्तों। और हमें यहाँ पर एक ताऊ जी मिल गए। ताऊ जी क्या कर रहे हो यहाँ पर? बंदर खा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? बंदर। बंदर, अच्छा ये जंगल का किनारा, काफी बंदर आ रहे होंगे इधर ना? अच्छा ये देखिए दोस्तों इनका ये बंदर, ये इधर देखिए ऊपर काफी पेड़ में बंदर बैठे हैं, और इनका यहाँ पर बगीचा है, और आज तो बरसात हो गई काफी। हाँ फिर भी बंदर आ रहे हैं। अच्छा तो अच्छा हो गया बगीचे के लिए भी। इसके लिए बहुत बढ़िया हुआ। हाँ पानी के लिए। अच्छा देखिए ये डंडा क्या पकड़ रखा है तुमने? ये बंदरों के लिए। अच्छा बंदर इधर भाई डंडे। हाँ, ये कटखने सारे काटते हैं। अच्छा हाँ। कटखने हैं ये। हाँ दोस्तों देखिए सामने काफी बंदर बैठे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये। दोस्तों इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त करता हूँ आपको, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों के बीच में भी शेयर जरूर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।